Assalamualaikum and a very good morning. Expresso में आपको खुशामदीद कहेंगे. मैं हूँ अरमिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन. इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं. आज भी एक नए दिन का आगाज किए बैठे हैं या करने वाले हैं. आपके लिए हमारी बेस्ट विशेज है आपके आज के दिन के लिए भी. खासतौर पर पंजाब और वस्ती पंजाब के रहने वालों के लिए हमेशा हम एक रिमाइंडर के साथ आ रहे हैं और वो रिमाइंडर स्मोक के हवाले से है. बी वेरी केयरफुल, वेयर अ मास्क. एंड पंजाब हुकूमत ने 3 दिन के लिए तमाम तालीमी इदारे वगैरह बंद करने का ऐलान किया है ड्यू टू द स्मोक. दिस इज द हॉटेस्ट न्यूज़ टुडे. और जो निजी दिफा हैं और साथ साथ स्कूल्स हैं उनको बंद किया जाएगा 3 दिन के लिए लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि स्मॉग बहुत ज़्यादा है. एक और रिमाइंडर भी देना बहुत ज़रूरी है कि जब आप सुबह उठे तो कोशिश करें कि टाइम पे उठें. बिल्कुल. और कोविड की तरह वर्क फ्रॉम होम भी होगा, इसमें ये भी बता दूं. अब आप कर ले जो आपके अंदर तड़प ये कि टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे तैयार होना चाहिए. अच्छा, इसमें जो सबसे मजे की बात है वो ये है, लेट मी टेल यू, वो ये है कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए जो आप रूटीन में, फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा आपको लगता है तैयार होने के लिए, तो आप कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी करेंगे कभी अगर आपको 5 मिनट में भी होना है या 3 मिनट में भी होना है तो आप हो सके. I think me चलिए जनाब, आज के शो में एज यूजुअल बहुत कुछ है. स्मॉग के हवाले से भी हम बात करेंगे, कुछ इकोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे और बहुत पेट्रोल कुछ और महंगा होगा, बिजली और महंगी होगी. रुकने का नहीं है, आगे बढ़ने का है हुकूमत ने, और साथ साथ घबराने का नहीं है. इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस. बयान हल्फी के बाद साबिक चीफ जस्टिस से मंसूब नई ऑडियो टेप मंजर आम पर आ गई. मुल्की सियासत में फिर हलचल, लफ्जी जंग उरूज पर. मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर, कई महीनों की मुसलसल कोशिश और मुजाकरात के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया. स्मॉग ने हुकूमती इकदाम भी धुंधला दिए. गवर्नमेंट का लाहौर में हफ्ते में 3 दिन तमाम तालीमी इदारे और निजी दफातर बंद करने का ऐलान. चीन में दुनिया का सबसे बड़ा कान जो कायनात को सुनता है, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में. सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी 15वीं सदी ईस्वी के बलोच सरदार मीर चाकिर आजम रिंद के मकबरे की. मुराद को आज हम याद करेंगे. इसके साथ साथ म्यूजिक की हमने बात की तो रुबाब आज आपको स्टूडियोज में सुनने को मिलेगा, स्काइप पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो हम भी इंजॉय करने वाले भरपूर मनोरंजन. लेकिन उससे पहले कुछ आपको धचके देने आज की बड़ी खबर में. बड़ी खबर, दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं. राणा शमीम साहब के बयान हल्फी के बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मंसूब जो मुबैना ऑडियो टेप है जिसका कल भी हमने तذکرہ किया था, इसके बाद मुल्की सियासत में इस वक्त हलचल है. सोशल मीडिया के ऊपर इस टॉपिक को बार बार और बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है. गो के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस ऑडियो को फेब्रिकेटेड करार दे दिया है और ये भी कहा है कि ऑडियो में उनकी आवाज़ नहीं है. कभी भी किसी को भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से उन्होंने कोई हिदायत नहीं दी, ऐसा उनका कहना है. और मुबैना ऑडियो टेप के ऊपर गवर्नमेंट और जो नून लीग है इसके दरमियान इस वक्त लफ्जी जंगबाजी शुरू है. और दूसरी जानब जो गवर्नमेंट है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का भरपूर दिफा कर रही है, लेकिन मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुबैना ऑडियो को अपनी जीत, जो लीगी रहनुमाएं अपनी जीत और एक बड़ा इम्तहान निज़ाम अदल के लिए करार दिया है. लेकिन आज हम इससे भी बड़ी एक पेशरफ्त पर बात करने जा रहे हैं जो और वो पेशरफ्त है मुल्की मईशत और आवाम के हवाले से. कई माह के मुज़ाकरात और कोशिशों के बाद बिलाखिर पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो तय पा गया है, जिसके तहत आलमी जो मालियाती इदारे उन्होंने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी है. इलामिया के मुताबिक मुआहदे को दिसंबर में होने वाले जो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और जांच से पहले पाकिस्तान को पेशगी इकदाम उठाने पड़ेंगे ताकि किस्त जारी हो सके. गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीरे तवानाई हमाद अज़हर और मुशीर खजाना शौकत तरीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कर्ज लेने से पहले पेट्रोलियम लेवी में महाना 4 रुपये इजाफा, जबकि GST पर इस्तिस्ना खत्म करने पर स्टेट बैंक कानून में तरमीम और साथ साथ कोविड के हवाले से ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है और अखराजात में जो बेनिफिशियल ओनरशिप है IMF को बितानी है. और उसके साथ साथ उन्होंने दावा किया कि IMF मुआहदे से सनअती और घरेलू सार्फीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ताहम आइंदा चंद माह में अगर हम बात करें तो बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी. बिल्कुल. और पीपल्स पार्टी ने IMF से मुआहदा पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा किया है. IMF मुआहदे पर ही हमने बात करनी है, इस हवाले से मरसद मायरी मईशत मौजूद. बिल्कुल, नुमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं. बहुत
नुमान के आपने हमने एक हवाले से ज्वाइन किया, इस सबसे पहले तो हमें कमेंट ज़रूर लेंगे कि ये जो आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली है और इससे मुल्क की मईशत पर हम देखें तो ओवरऑल किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए दो चीजें हैं, आईएमएफ जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेटर है। आईएमएफ जब किसी इकोनॉमी को अब वो अहद देता है कि इसने आईएमएफ की शराइत मान ली है या मुआहदे के तहत वो काम कर रहा है, सिर्फ आईएमएफ से एक अरब डॉलर नहीं आते बल्कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में आप जो भी पैसे उठाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आपके दरवाजे खुल जाते हैं। और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो मुस्तकिल बुनियादों पर डेफिसिट के शिकार रहते हैं, ज़ाहिर है हमें सुकूक के फॉर्म में, डेट के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ता है, आपके वर्ल्ड बैंक के पास भी जाना पड़ता है, अपने एडीबी के पास भी जाना पड़ता है, इसके अलावा इंटरनेशनल बोरिंग्स भी होती हैं। तो आईएमएफ बीइंग दी ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेटर है, तो उनके ओके करने के बाद आपके पास ही दरवाजे खुल जाते हैं। इससे फायदा ये होगा जो ये गैर यकीनी सूरत हाल की पिछले दिनों में जिसकी वजह से आपने देखा कि डॉलर कम से कम 5 से 7 रुपये 8 रुपये एक्स्ट्रा महंगा हो गया था, मार्केट में फ्लक्चुएशन भी काफी थी, तो ये आईएमएफ पैसा आने से, गो अहेड देने से वो गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो कम हो जाएगी। उम्मीद है कि आईएमएफ के ओके के बाद जो है सऊदीया से पैसे भी हमें जल्दी मिल जाएंगे, तो कम से कम वक्ती तौर पर टेम्परेरी जो प्रेशर होगा था हमारे रुपए के ऊपर वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी स्टेटिस्टिक्स को देखें ना, जो अभी स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जो रिलीज किए हैं उसमें ये किया है कि पहले 4 महीने में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 5 अरब डॉलर था, तकरीबन जो ट्रेड डेफिसिट था वो 14 अरब डॉलर था। तो देखिए हमारे रुपये की और मईशत की कमजोरी की जो बुनियादी वजह है ना वो आईएमएफ नहीं है बल्कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे हमारा रुपये मुस्तकिल गिरता रहेगा, महंगाई भी होती रहेगी, हमारी मुश्किलात में इजाफा भी होता रहेगा, बार बार हमें इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ेगा, बार बार लोन लेना पड़ेगा। और जब आप बार बार लोन लेने मार्केट में जाएंगे तो जाहिर है कि जो बंदा भी कर्ज देता है सूद पे वो अपनी शराइत भी देता है, वो हमारी शराइत को तो नहीं देगा, तो कम से कम ये होगा कि आपको बीजा मिल जाएगा। अच्छा ये सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हमारी मईशत पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो मईशत पे सिर्फ इतना इम्पैक्ट आएगा कि जो अनसर्टिनिटी की सूरत हाल है वो कम हो जाएगी, लेकिन जो मईशत के फंडामेंटल्स हैं फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते इससे। ठीक है, जो आपका ट्रेड डेफिसिट, नुमान आप हमारे साथ रहिए, मुजम्मिल असलम ज्वाइन करें, तर्जुमान है वजीर खारजा के, उनसे भी जरा इस हवाले से जान लेते हैं। मुजम्मिल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द मॉर्निंग। एक तो ये कि काफ़ी अरसे से यह सिलसिला डिले था और नुमान साहब का ये कहना है कि जो अनसर्टिनिटी की फिजा है वो खत्म होगी, वो कम होगी इस सारी सूरत हाल के बाद। एक तो किस हद तक कम हो पाएगी, दूसरा ये कि हमारे ये जो एक डॉलर के हवाले से खास तौर पर जो स्पेकुलेशन का सिलसिला जारी रहता है, दैन जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से लोगों को बड़ा कंसर्न रहता है, अब हम ये समझ लें कि पेट्रोल ने मजीद महंगा होना है और डॉलर ने अब यहाँ पे शायद इतना यहाँ पे रुक जाना है, इससे मजीद डॉलर की जो वैल्यू है वो मजीद नहीं बढ़ेगी, यानी कि ओवरऑल एक जो अनसर्टेनिटी है उसका खात्मा हो पाएगा इस सारी सूरत हाल के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद? आई थिंक आप हम सबको ये एक चीज का एहसास होना चाहिए कि जैसे दिन में हमारे मूड चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू दी हालात, जिस तरह ना इकोनॉमी की इंफॉर्मेशन वक्तन से वक्तन चेंज हो रही होती है। आज से 6 महीने पहले पूरी दुनिया कोरोना में थी, कारोबार ठप थे, हर चीज सस्ती थी, तो वो इंफॉर्मेशन कुछ और थी। अब जो है पूरी दुनिया में जो एक महंगाई की आग लग चुकी हुई है, अमेरिका जैसा मुल्क जिसमें 1% जो है अफरातजर था वो 6.2% हो गया, उन तमाम ममालिक की जो है अफरातजर चेंज होगी। तो इंफॉर्मेशन जब चेंज होती है तो उसके हिसाब से पॉलिसी चेंज होती है। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये करूंगा, कतः कलामी करूंगा, आप कह रहे हैं ना कि अब हम ये समझ लें कि जो है रुपए की कदर अब मजबूत होगी, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। इंफॉर्मेशन अगर आपकी फेवर में आ गई, अगर इंफॉर्मेशन डिसफेवर होती है, आलमी मार्केट में तेल की कीमत यहाँ से डबल हो जाती है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे मुल्क में तो तेल पैदा नहीं होता। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन, तो आज तक के जो फैसले हुए हैं वो आज तक की इंफॉर्मेशन के बेस पे हुए हैं। कल अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, अभी जैसे 10 दिन पहले जब हमने तेल की कीमत बढ़ाई थी तो आलमी मार्केट में जो है $82 पे चल रहा था WTI, आज वो $76 में 6 डॉलर कम हो गया है, तो एक इंफॉर्मेशन चेंज है। तो अब जो अगली प्राइस चेंज होगी उसमें वो चीज इनकॉर्पोरेट होगी, तो ये तमाम चीजें देखते हुए जो है फैसले होते हैं। तो वो अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग एक बात पकड़ के बैठ जाते हैं कि उस वक्त आप लोगों ने ये कहा था तो अब ये क्यों तब्दील कर दिया। तो अब ये हमें साथ बताना पड़ रहा है मजबूरी से कि भाई
अच्छा मुजम्मिल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये जो IMF से आपका अग्रीमेंट है इसको पार्लियामेंट में लाया जाए, ये एक कौमी दस्तावेज़ है और कौम का मफाद इससे मुंसलिक है, मुस्तकबिल मुंसलिक है, तो उन्होंने कहा है कि इसको पार्लियामेंट में लाया जाए, तो क्या पार्लियामेंट में आएगा ये, आना चाहिए? लेकिन बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है ना सिवाय अपने नाना की तारीख के अलावा कुछ नहीं आता। पाकिस्तान में 22 IMF प्रोग्राम में सबसे ज्यादा प्रोग्राम पीपल्स पार्टी की हुकूमत लगी, और इनसे ये पूछे कि ये कितनी दफा आप पार्लियामेंट में लेकर आए ये IMF के प्रोग्राम्स को। एक IMF का प्रोग्राम जो है एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसीजर है, जो डिसीशन मेकर है उस पर डिसीशन लेते हैं, और पार्लियामेंट में वैसे ही एनी हाउ आएगा, ये अपनी नई बजट की शक्ल में आ रहा है, उस टैक्सेस की शक्ल में और गवर्नर की ऑटोनॉमी के लिए। अभी इनकी आप ये देखें कि लाइलमी ये देखें, उस दिन जो ज्वाइंट सेशन था उसमें इन्होंने तकरीर कर दी और वो समझे कि स्टेट बैंक का एक्ट उसमें आ रहा है और बाद में पता लगा नहीं है, तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये लीडर बनते अवामी और इनको जरा सी भी जो है अलिफ बे नहीं पता कि माशी अलिफ बे है क्या। ठीक है, सियासी लीडर होंगे, इनकी परवरिश अच्छी सियासत में हो रही है, लेकिन अगर उनको नहीं इसकी समझ तो कोई अच्छा आदमी रख ले जो उनको गाइड तो करता रहे कम से कम। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मिनी बजट की सूरत में इसमें बाहर पार्लियामेंट के अंदर आना ही है, ये डिस्कस तो होगा। अच्छा, दूसरी जानब हम इस वक्त अगर महंगाई की शरह की बात करते हैं, जिस तरह पेट्रोल महंगा होगा, कल हमाद अजहर ने कहा कि बिजली भी महंगी होगी, और जाहिर बात है जिस तरह लग रहा है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर कल फ्यूल डबल हो जाता है तो हमें डबल पे जाना पड़ेगा, ऑलरेडी दुनिया भर के अंदर इन्फ्लेशन रेट्स आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो करंट हमारी इन्फ्लेशन है इसके अंदर मजीद इजाफा ही होगा अभी फिलहाल जो लग रहा है। देखिए, इसके दो हिस्से, एक हिस्सा ये कि जो आपकी चीजें मकानी पैदावार हो रही है और एक आलमी मार्केट में। मिसाल के तौर पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे मुल्क में खाद खुद तैयार हो रही है, इस वक्त हुकूमत का सरकारी रेट 1800 रुपए है और आलमी मार्केट में 10000 रुपए है, तो अभी लोगों को जो है 1800-2000 रुपए के हिसाब से मिल रही है। तो जो चीजें हम यहाँ पैदा कर रहे हैं वो आलमी मार्केट से हमारी कोशिश होगी कि सस्ती मिले और उसको कंट्रोल करें। जैसे अभी कल ही मैं किसी टीवी चैनल पर बता रहा था कि पिछले साल के मुकाबले में 5 कमोडिटीज जो हम आम आदमी खाता है, टमाटर, दाल, आलू, प्याज और चीनी, उनकी कीमतें नीचे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कि पैदावार किस तरह होती है आलमी मार्केट, अगर आलमी मार्केट में अब जैसे खुरदरी तेल है वो डबल होगी एक साल में, वो क्योंकि हम सारा का सारा बाहर से मंगाते हैं, अब वो कैसे हम सस्ता दे सकते हैं, हमारे तो बस में नहीं, और वो मंगाती भी प्राइवेट सेक्टर है, एक आम कारोबारी जोड़िया बाजार वाला मंगाता है, घी मिले मंगाती है, हुकूमत तो मंगाती भी नहीं उसको। तो ये तमाम चीजें हमें एजुकेट होना होगा और ये हमें जो है सियासत से हटके, अगर हाँ आपको इसमें लगता है कि हुकूमत की ना अहली है खाने का तेल सस्ता होना चाहिए, आप जरूर आके जो है हमारी उस पर जो है इसलाह करें, लेकिन अगर हमारी नहीं है उसमें कोई अमल दरामद तो आप उसको प्लीज लोगों को ये बताएं कि क्या हो रहा है बात, और अगर हमारी गलती है आप जरूर रगड़े। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चूंकि नुमान भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल नुमान, अभी जिस तरह से स्टेटमेंट के हवाले से हम बात भी कर रहे थे, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई इसमें दावा किया गया कि जो IMF का मुआहदा है इससे जो मुल्क की मईशत है उस पर कोई खास इम्पैक्ट उस पर तो आएगा, लेकिन साथ साथ जो सनअती और घरेलू सार्फिन है उन पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको क्या लगता है एज ए माहिर मईशत के किस तरह से ये जो चीज़ें हैं, क्या ये IMF का प्रोग्राम जो घरेलू सार्फिन है या जो महंगाई ओवरऑल उनको सफ़र करना पड़ रहा है उस पर इम्पैक्ट आएगा? IMF मुआहदे का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली महंगाई हो जाएगी, महंगाई के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मुजम्मिल ने भी कि इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस है, डोमेस्टिक मार्केट है, आपका एक्सचेंज रेट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसमें PDLA एक एलिमेंट होता है। तो IMF मुआहदे के ये परसेप्शन होता है कि IMF मुआहदा हो गया तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जो कि ठीक नहीं है मैं समझता हूँ। हमें ये देखना होता है कि भाई आपकी ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, और वो तो मार्केट डायनामिक्स इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं, अब एक हफ्ते 10 दिन बाद 20 दिन बाद क्या मार्केट डायनामिक्स हो हम ये ऑटोमेटिकली नहीं कह सकते। तो ये कहना क्या है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर जो है जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों सेल टैक्स का इंपैक्ट तो एब्जॉर्ब किया था, अगर इसी तरह की तो उम्मीद की जा सकती है कि महंगाई में इजाफा ना हो, इंशाल्लाह हम उम्मीद तो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो इकोनॉमी के डायनामिक्स है, मैंने कहा कि मेरी नजर में जहां तक मैं इकोनॉमी का समझता हूँ कि हमारी जो बुनियादी मसला है वो ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट है। जब तक हम को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसे हंगामी बुनियादों पर इकदाम नहीं करेंगे जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट में कंट्रोल आए, हमारे जो ये फंडामेंटल्स हैं मुस्तकिल बार बार आते रहेंगे। इसके लिए हमारी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को हमें कंट्रोल करना होगा, मार्केट्स को मजीद कॉन्फिडेंस देना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें जो हुंडी और हवाले की मार्केट है FATF के बाद उसको कंट्रोल किया गया है, उसको मजीद हमें कंट्रोल करना होगा ताकि उसकी स्मगलिंग ना हो सके,
तो मार्केट को जब हम फंडामेंटल लेवल पे चीज करेंगे ना, मेरा ख्याल है कि वो चीजें महंगाई हो गई या रुपए की वैल्यू पे ज्यादा इंपैक्ट होगी। अच्छा मुजम्मिल, इन दी एंड एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब भी हम IMF की मुआहदे की बात करते हैं तो वी ऑलवेज से कि जी हमें रेगुलेट करता है, हमारी इकॉनमी के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उसको पॉइंट आउट करता है ताकि हम उसको ठीक करें, तो अल्टीमेटली इट्स अ गुड प्रोग्राम फॉर इकॉनमी लाइक पाकिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे IMF हमें ये कहता है कि आप पेट्रोलियम लेवी इतनी कर दें वो तो हम बढ़ा देते हैं, जहाँ पे हमें स्टेट बैंक के हवाले से कोई हिदायत देता है या कोविड रिपोर्ट के हवाले से रेगुलरिटीज़ को सामने लाने की बात करता है वो तो हम कर देते हैं जो सामने बज़ाहिर चीज़ें होती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हमारा जो इकोनॉमिक जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसकी तरफ जब आते हैं, जैसे अगर हमें कहा जाता है कि आप बिजली में लाइन लॉसेस कम करें, कोई इकदाम नहीं किए जाते, आप डायरेक्ट टैक्सेशन पे या रजिस्टर्ड टैक्सेशन पे इजाफा करें, कोई स्पेसिफिक इकदाम नहीं किए जाते, अगर किए भी जाते हैं तो वो नज़र नहीं आते, तो इन सारी सिचुएशन के ऊपर आपको नहीं लगता कि जो बेसिक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है जैसे ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट की जानब नोमान ने भी रेफर किया कि उसके लिए कोई कंस्ट्रक्टिव या कोई बहुत सिग्निफिकेंट इकदाम फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फिर एक बार ठीक नहीं कर रहे और फिर जिस तरह आपकी गवर्नमेंट को भी पिछली हुकूमतों की वजह से जाना पड़ा, आपकी हुकूमत की वजह से अगली हुकूमतों को भी IMF में जाना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर हम ठीक नहीं कर रहे फिल वक्त भी? अभी हमारी हुकूमत को IMF प्रोग्राम तो मुकम्मल करने दे, अभी पहला हमारी हुकूमत पहला IMF प्रोग्राम, और आप यू आर रिज्यूमिंग टू मच, क्योंकि माजी की हुकूमत ऐसा नहीं करती थी तो वो आपने हम पे डाल दिया कि हम भी ऐसे करें, अगर हमने ऐसा करना होता तो हमारे पास 1.5 साल रह गए थे, हम IMF से साइडलाइन हो जाते, हमारे पास रिसोर्सेस की हम टाइम गुजार लेते, हम माजी की हुकूमतों की तरह नहीं कर रहे, और यही वजह है कि आप 22 प्रोग्रामों में गए, 22 में से आपको पता है 20 प्रोग्राम हमने बीच में छोड़े, और इसलिए छोड़े कि हम पैसे पकड़ लेते थे, और जब इस्लाहात का टाइम आता था तो हर हुकूमत को अपनी इलेक्शन की पड़ी होती थी और वो भाग जाती थी इस्लाहात से, हमने इस इलेक्शन को अगर देखना होता तो हम भी भाग जाते, हम इलेक्शन को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि यार सीधा कर दो भाई एक दफा इस मुल्क को, ठीक है उसमें जो है अभी तक इस्लाहात के कथा कलामी की माजरत इस वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक इस्लाहात के हवाले से क्या किया गया है, अगर आप कुछ चीदा चीदा हमें कुछ चीज़ें बता दें, चूँकि आप करंट अकाउंट डेफिसिट का क्रेडिट लेते रहे हैं उसमें देर इज़ नो डाउट आपकी आपने उसको कम किया, बल्कि एक वक्त में तो पॉजिटिव भी हुआ लेकिन फिर वो सर उठा रहा है, इस वक्त हमारे जो सर्कुलर डेट है हमारा वो आपको पता है तारीख की हाइस्ट के ऊपर है, ट्रेड डेफिसिट के ऊपर भी इंप्रूवमेंट हुई है, कुछ हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं लेकिन स्टिल एग्जिस्ट देयर, इम्पोर्ट्स ज़्यादा है और उसी वजह से टैक्स भी आ रहा है जिसकी वजह से हमें टैक्स कलेक्शंस बेहतर लग रही हैं, तो मसाइल तो भी बहुत बड़े हमारे सामने खड़े हुए हैं। मुझे बोलने दे, मेरा अगला प्रोग्राम है 5 मिनट के कमिटमेंट पे आया था। जी जी बोलने दे, इस्लाहात की आप बात करें, सर्कुलर डेट जब हम आए थे 450 अरब रुपए सालाना था, 130 अरब के लिए है, जो आपकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के जो 2018 में लॉसेस थे उससे हम कम ले आए, मिसाल देता हूँ PIA का लॉस था 65 अरब रुपए, 2018 में वो 35 अरब पे आ चुका है, स्टील मिल हमने जो है देख लिया, नहीं हो सकता, हमने एक टफ डिसीजन लिया, उसमें से लोगों को ले ऑफ किया, ठीक है, उनको गोल्डन हैंडशेक दिया, इसी तरीके से जो है आपने खुद बता दिया करंट अकाउंट में, तीसरी चीज स्टेट बैंक अटोनमी 1994 से पेंडिंग है, 5 अलग अलग टाइम्स में जो है मिल गया लेकिन कंप्लीट अटोनमी मिली, वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा हमने IPPs के जो है एग्रीमेंट रीनेगोशिएट किए, लाइन लॉसेस को रिकवरीज को कम किया, तो ये 3 साल, और उसके बाद आप ये देख लेंगे 100 साल का दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना का क्राइसिस इस बीच में आया, जब हमने टेक ओवर किया तो किस हालत में टेक ओवर किया, और जो है उसके बीच में इंडिया वो, और अब आलमी लेवल की महंगाई और अफगानिस्तान इशू साथ चल रहा है, इसके बावजूद अब मैं 1.5 महीना हुआ है मुझे इधर आए हुए, ठीक है, आंखें खुल गई हैं, इस तरह यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, चले नुमान एक और वील ट्राई कि हम इन अ डे और टू अगर आपके पास टाइम हो दीजिएगा इस पर इंशाल्लाह एक और सिटिंग हम करेंगे, टाइम हमारे पास कम है, थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल आप हमारे मौजूद थे, एंड सो इज द रिक्वेस्ट टू यू, हम इस पर जरूर इंशाल्लाह बात करेंगे, और चूंकि सिचुएशन ऐसी है मुजम्मिल साहब तो बता रहे हैं अपने कुछ चीता चीता, लेकिन जो बेसिक सवाल हैं वो अपनी जगह पर हैं, और ओबियसली इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस इकॉनमी, बट आपने हमारी गुफ्तगु सुनी IMF प्रोग्राम के हवाले से, गवर्नमेंट को फाइनली 1 अरब और 5 करोड़ डॉलर मिल गए हैं IMF से, इस पर हम मजीद भी बात करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर का जिक्र करते हैं जिस पर एक के बाद एक आफत ऐसा लगता है कि लाहौर उसका शिकार दिखाई देता है। पहले कोरोना वायरस ने मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लाहौर में बहुत तबाही मचाई, फिर डेंगू ने शहरियों के लिए जीना महाल किया और अब रही सही कसर जो है वो स्मोग निकाल रही है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि स्मोग से निमटने के लिए गवर्नमेंट के तमाम तर इकदाम गैर मौसर एक तरह से साबित हो रहे हैं और शहर में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुसलसल पहले नंबर पर भी आता रहा है और शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी रहे हैं। हॉस्पिटल्स में अगर मरीजों की तादाद की बात की जाए तो उसमें भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सूरत हाल में पंजाब गवर्नमेंट की का जो बाकी इकदाम के अलावा तालीमी इदारे से मुतल्लिक एक बड़ा फैसला सामने आया है और ट्विटर पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में स्मॉग के खतरनाक असरात से बचने के लिए हफ्ता इतवार और पीर को तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस जामियात और तमाम निजी दफातर हफ्ते में जो तीन दिन बंद रखने का ऐलान रखा गया है और साथ साथ नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 नवंबर से 15 जनवरी 2022 तक हफ्ता इतवार और पीर को तमाम तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि हम बीमारियों का या मुख्तलिफ स्मॉग की वजह से होने वाले इशूज़ का डिस्कस करें तो नाक कान और गले की भी बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि स्मॉग में जब वो सांस लेते हैं ओबियसली उसका इम्पैक्ट आता है। हमारे साथ डॉक्टर राशिद ज़िया मौजूद है जो कि सरबरा हैं डिपार्टमेंट ENT जिना हॉस्पिटल के, उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट की जानिब से तो इकदाम किए जा रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये जो फिजाई आलूदगी का फैक्टर है इससे बहुत सारे लोगों पर इम्पैक्ट आ रहा है जिनको ऑलरेडी थोड़े मसाइल थे सांस के या नाक कान गले के, अब मजीद उन वो जो कह लें ट्रिगर हुए हैं तमाम तर स्मॉग की वजह से। जी आप बजा कह रही हैं, इस वक्त स्मॉग बुरे हालात में हमें ये फजाई आलूदगी है, सांस लेने में, आंखों में, गले में, नाक में, जिस्म के जितने भी हसास हिस्से हैं एक्सपोज्ड हैं उनमें इरिटेशन, खारिश, सांस का लेना काफ़ी मुश्किल है और बड़े शहरों का ये एक बड़ा मसला बन चुका है और हर साल इसमें शिद्दत आती जा रही है। मरीज इन दिनों में ये स्मोक तो सारा साल थी लेकिन स्मॉग की सूरत में ऊपर वाली हवा की लेयर से या नीचे हमारी हाइट तक हमें सांस लेने के जहाँ पे हम लेते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अब ये इकट्ठी हो गई है स्मॉग की सूरत में, और इसमें ऑक्सीजन की लेने में हमें आगे सांस में काफी दुश्वारी पेश आती है। इसमें इस वक्त ज्यादातर लोग आपके पास किस एज ग्रुप के आ रहे हैं और किन मसाइल के साथ आ रहे हैं तो आप क्या बता पाएंगे हमें? ज़्यादा एल्डरली पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी जिनको शुगर है, सांस के मसाइल हैं, दमा है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। छोटे बच्चों के इन्फेक्शन का चांस, एलर्जी का चांस काफ़ी ज़्यादा है इन दिनों में, तो इसका वाहिद हल है कि जब इंडेक्स ज़्यादा हो 100-200 से ज़्यादा क्रॉस करे तो घर पर स्टे करें, नोज़ को गले को पानी से ज़्यादा ज़्यादा फ्लश करें, वार्म ड्रिंक्स ज़्यादा लें क्योंकि ये फजाई आलूदगी में 2-3 कंपाउंड्स हैं जो इस वक्त भी डैमेजिंग हैं। अगर ये सारा साल स्मोक ऐसे ही रहेगी तो ये इंतहाई शिद्दत के साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। ये सांस के मसाइल ही नहीं होंगे, इसमें नर्व्स के, दिमाग के खलिए भी डैमेज होते हैं और इन द लॉन्ग रन ये कैंसर बनने का बायस भी बनता है मैनी इयर्स के बाद। माय गुडनेस। अच्छा, तो अगर मैं ये आपसे तजवीज़ लूँ, एक तो आपने कहा कि फ्लश करें अपने नाक को फेस ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप फ्यूल इनटेक वो जो नॉर्मली आप कह रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ गर्म एज अ फ्यूल लेते रहना है जो आपको फ्यूल्ड अप रखे, तो उसमें क्या लिक्विड्स आप रिकमेंड कर रहे हैं? कुछ ग्रीन टी वगैरह, कहवा चाय या कुछ स्पेसिफिक गर्म पानी आप कह रहे हैं? कुछ आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि पानी, सादा पानी ज्यादा पीने से भी इन्फेक्शन और एलर्जी से हम बचते हैं और कोई भी चीज, हर बंदे का टेस्ट फ्लेवर अलग है, नॉर्मल टेम्परेचर पे पिए या वार्म पिए, कोल्ड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, जूसेस जितना अवॉइड करेंगे आप ठीक रहेंगे। घर से बाहर जब भी निकलें अपने आप को मास्क लें और जो ही ऑफिस पहुंचे और स्पेशली जब शाम को घर आए तो पूरी बॉडी को साफ पानी से अच्छे तरीके से फ्लश कर लें, बाथ ले लें, वजू बार बार करें, हैंड वॉश करें
और अनड्यू बाहर एक्सपोज ना हो, अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साथ साथ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो हम सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से भी बात जरूर करना चाहेंगे, जो ऑब्वियसली हमें अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के कोई मसाइल हो रहे हैं, नाक में या कान में इरिटेशन है या गले में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ भी ज्यादा जाते हैं। व्हाट डू यू रिकमेंड कि अगर हमें इस तरह का स्मॉग की वजह से कोई इशू आ रहा है तो हम ये जो तमाम तर जो लाइफ स्टाइल में अपनी चीज़ें हमने शामिल करनी है, इसके अलावा मेडिकेशन के हवाले से आप क्या रिकमेंड करेंगे? हम एक जिंदा और पॉजिटिव कौम है, वी कैन डू इट। कोई भी, हमने कोरोना जैसी चीज से अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया, इससे भी हम कर लेंगे। इसमें सबसे जरूरी ये है कि हमें पॉजिटिविटी को अपनाना है। हमें सुनी सुनाई बात पे कि फलां चीज लेने फलां ठीक हो गया था मैं भी हो जाऊंगा, इससे अद्वियात का अफेक्ट आना बंद हो जाता है। स्मॉग से बचना है, एलर्जी से बचना है, इन्फेक्शन से बचना है इस मौसम में, क्योंकि आगे सर्दी की आमद आमद है। तो एक ही हल है कि हम स्टीम लें, स्टीमर से ले लें, बहुत अच्छे नेबुलाइजर से ले लें, लेकिन बेजा अद्वियात का इस्तेमाल बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिर्फ सिंपल वार्म चीजें ले लेना बेहतर हल है, नाक गले को पानी से फ्लश करना ज्यादा बेहतर हल है। लेकिन इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, अभी आप रेफर करने लगे थे जब हमने क्वेश्चन किया एक्सरसाइज के हवाले से, तो एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली इनडोर नहीं हो सकती है, या जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं वालिदैन, उनको अक्सर बाहर वॉक करने की आदत होती है, गली में निकल गए, साथ किसी पार्क में चले गए, तो अब तो मुझे ऐसे लगता है कि बाहर जब भी हम जाते हैं तो बाहर स्मोक है, आंखों में लगती है, गले में लगती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो क्या इस सिचुएशन में भी आप वॉक या एक्सरसाइज आउटडोर रिकमेंड करते हैं, और खास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों के लिए? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हरगिज बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप बाहर हेज, एक ग्रे सा एरिया हवा में नजर आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, ऑलरेडी आपको सांस के मसाइल है, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं करनी। घर के अंदर करें, साफ सुथरी जगह पे करें, उसके लिए तो 4-5 फुट की जगह ही काफी है, जहां पे भी घर में साफ सुथरी जगह है। राउंड द क्लॉक एक्सरसाइज करना लाइफ के लिए दी बेस्ट है, वाजिब भी है, फर्ज भी है। जो एक्सरसाइजेस कौमें करती हैं वही ज्यादा ग्रो करती हैं, वही आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें वैसे आपका ये सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर बीइंग आप डॉक्टर, हमें इस हवाले से भी रहनुमाई कर सके, क्या ये नाक कान गले के अलावा स्किन के लिए भी डैमेजिंग है समहाउ, स्मोग या ये वाली जो पोल्यूशन है बाहर निकलते हुए? डेफिनेटली डेफिनेटली, इससे एलर्जी के चांसेस, इरिटेशन के, एक्जिमा के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए जिल्द और जिल्द से ज्यादा आंखें, नाक, गला और लंग्स, इसमें सबसे पहले डैमेज होते हैं। उसमें इन्फेक्शन, एलर्जी का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि सांस में इरिटेशन या छींके या एलर्जी वगैरह, ये तो हर दूसरे बंदे को पाकिस्तान में यूजुअली होता ही है, वो सिचुएशन कब आएगी डॉक्टर साहब जब आपको डॉक्टर के पास जाना है? मुझे फ्लू हो गया, मैं घर पे ऑब्वियसली जो शांदा वगैरह पी के गुजारा कर लूंगा, लेकिन एक सर्टन स्टेज जो आप तफवीज कर पाए कि इस वक्त अगर ये सिचुएशन हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें? नहीं, आज के दिन और ये चंद माह तक, क्योंकि कोरोना भी है, डेंगू भी है, अगर आपको 100 से ज्यादा फीवर हो रहा है, चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है, सांस में थोड़ी सी भी तंगी हो रही है, तो फौरन अपने नजदीक तरीन जनरल प्रैक्टिशनर, MBBS डॉक्टर को फौरन दिखाएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इसमें बिल्कुल देर ना करें। और डेंगू का, कोरोना का टेस्ट जब भी डॉक्टर कहे अर्लीस्ट पॉसिबल फौरन करवा लें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने लोगों को अवेयरनेस भी दी है, बहुत जरूरी भी है। और मोहम्मद राशिद जिया हमारे साथ मौजूद थे, ENT स्पेशलिस्ट हैं, और इस हवाले से हमें बता रहे थे कि स्मॉग में आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर करना है, और अपने अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई सिम्टम्स आए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, बात करेंगे कुछ क्रिकेट की, और मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा कि अगर जीतना ही होता है तो ब्लड प्रेशर क्यों हाई करते हैं? मतलब कल भी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लिटरली हाई हो गया, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे लगा कि अब मैच हार गए हम। कॉमी टीम की परफॉर्मेंस तो आउटक्लास रही, मतलब हमने व्हाइट वॉश तो कर दिया लेकिन डरा दिया कॉमी टीम ने। खैर, बांग्लादेश के खिलाफ जारी T20 सीरीज की डिटेल्स आपको बताई, तो तीनों मैच हमने जीते और बंगाल टाइगर्स को व्हाइट वॉश किया। पहली बार बांग्लादेश को होम T20 सीरीज में 3-0 से हराया अल्हम्दुलिल्लाह, और गुजर
गुज़श्ता रोज़ का जिक्र हम अगर करें तो तीसरा मैच था और आखिरी इस T20 के अंदर एक सनसनीखेज मुकाबला देखने में आया। बांग्लादेश को 5 विकेटों से हमने हराया, ये मैच हम 8 विकेटों से जीत रहे थे, आखिरी ओवर में हमने 3 विकेटें गिरा दी। वाह 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 वाह, पाकिस्तान ने बांग्लादेश की 125 का जो रन का हालत था वो आखिरी गेंद पर हासिल किया, जबकि हैदर अली की बात करें तो उन्होंने 45, मोहम्मद रिजवान ने 40 रन बनाकर वो नुमाया रहे। ग्रीन चैट्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन दरकार थे और मैच जो है एक बहुत ही ड्रामाई शक्ल अख्तियार कर दिया। पाकिस्तान ने 3 विकेटें गंवाई, आखिरी जो गेंद थी नवाज ने छोड़ी और वो बोल्ड हो गए, अंपायर ने गेंद डेड करार दे दी। अगली गेंद पर बॉलर की रन आउट करने की चालबाजी भी काम ना आई और नवाज ने आखिरी गेंद पर चौका जड़कर बांग्लादेशी शायकीन और उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद वसीम और उस्मान कादिर ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि शाहनवाज धानी जिनका डेब्यू जिनका डेब्यू हुआ और हारिस रऊफ ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया, जबकि बांग्लादेश ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर रन बनाए थे, 124 रन बनाए थे। मोहम्मद नईम ने 47 रन की इनिंग खेली थी और पाकिस्तान जीत के साथ T20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर। दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर कि हमारी रैंकिंग अच्छी हो जाए, नंबर 1 होना है हमने, भाई हम हैं नंबर 1 लेकिन हमने रैंकिंग में भी नंबर 1 होना है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब द सीनियर एनालिस्ट द इंसाइक्लोपीडिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और मिर्ज़ा साहब का और मेरे जज्बात सेम है पाकिस्तानी टीम के हवाले से, अगर कल परफॉर्मेंस देखें, चूंकि हम वो क्रिकेट शायक हैं जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है जब पाकिस्तानी टीम किसी मैच को आखिरी ओवर में ले जाए चाहे 2 रन ही चाहिए हो। मिर्ज़ा वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप, ठीक ठाक, और क्या मैंने ठीक कहा ये? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर इमरान आपको भी और अरमला को भी, आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने शायकीन क्रिकेट को ब्लड प्रेशर का फिशार खून का मरीज बना देती है, अगर उर्दू में इसको मैं इसका तर्जुमा करूं तो पाकिस्तानी टीम के साथ ये है और शायकीन जो दुआएं मांगते हैं उनका ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा होता है, और कल आपने देखा कमेंटेटर का ब्लड प्रेशर भी कम और ज्यादा हो रहा था, जिस तरीके से वो शोर मचा रहे थे वो समझ रहे थे कि बांग्लादेश जीत गया, मुझे लगा कि वो बाहर आ जाएंगे स्क्रीन से आखिरी ओवर में, तो मुझे लग गया था वो इयान स्मिथ बनने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या कमेंट्री की थी इयान स्मिथ ने न्यूजीलैंड के साबिक टेस्ट विकेट कीपर। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम में जहां कामयाबी है जीत का जश्न तो मनाना चाहिए इमरान, लेकिन इसके साथ साथ उन खामियों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। पहला मैच 4 विकेटों से जीते, दूसरा मैच 8 विकेटों से जीते और कल का मैच 5 विकेटों से जीते, लेकिन इनमें ये चीज जो हमने नोट की है कि अगर बाबर आजम और रिजवान की लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप ना हो तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर दबाव में आ जाता है, और यही हुआ कल भी, यही हुआ कि अगर से बाबर आजम जल्दी आउट हो गए इस सीरीज में, उन्होंने मजमूई तौर पर सिर्फ 27 रन बनाए और 2017 में के बाद ये पहला मौका है जब बाबर आजम किसी सीरीज में नाकाम हुए। 2017 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों पर मुश्तमल सीरीज में जो थे वो 37 रन बनाए थे और इस मरतबा उन्होंने 27 रन बनाए, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो रिलेट करती है पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से कि वो किस तरह से परफॉर्म करती है। अच्छा, मुझे जो एक बड़ी शदीद कमी महसूस हुई, आपको भी यकीनी तो होगी, आप ज़्यादा कीनली देखते हैं कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है खासतौर पे 1 डाउन 2 डाउन सेकंड पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे आने वाला जो बैट्समैन है वो उसमें फिनिशिंग कैपेसिटी नज़र नहीं आती। हैदर अली को हमने प्लेयर ऑफ द मैच तो कह दिया, पहले मैच में वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, बड़ा गैर जिम्मेदाराना सा एक स्पिनर को खेलते हुए LBW हो गए, और फिर कल भी वो बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर जहाँ पे कोई उनको आउट नहीं होना चाहिए था, फिर सरफराज अहमद जैसा सीनियर वो कोई बड़ी शॉट नहीं खेल सका और वो हिट हो गए, और आकिब जावेद को मैंने कहते सुना कि इनको तो नेट में भी कोई बारी नहीं देता होगा जिस तरह खेल रहे थे कल सरफराज, बड़ा उन्होंने क्रिटिकल कॉमेंट दिया, तो आप इसको कैसे देखते हैं, मतलब फर्स्ट जो 1 डाउन आता है सेकेंड पोजिशन पर आता है प्लेयर उसको फिनिश करके जाना चाहिए इतने कम स्कोर को। बिल्कुल आपने सही कहा, हैदर अली में बड़ा पोटेंशियल है, लोग कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान रहा है, इनिंग्स भी ओपन कर चुका है पाकिस्तान अंडर 19 की, लेकिन उसमें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, उसमें कमी है मैच्योरिटी की। जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, जिस तरीके से वो पहले मैच में आउट हुआ फिर उसके बाद कल जिस तरीके से उसे फिनिश करना चाहिए था, तो इन सब चीजों पर तवज्जो देनी होगी। अब मैथ्यू हेडन तो नहीं थे टीम के साथ जो बैटिंग कंसल्टेंट है, हो सकता है अब अगले महीने जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है उसमें कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हेडन को लाए या किसी और को लाए, लेकिन प्लेयर्स में मैच्योरिटी आनी चाहिए। खुशदिल शाह के साथ भी यही मामला है, टैलेंट बहुत है, स्ट्रोक्स अच्छे खेलते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं, तो ये लम्हे फिक्रियां है हमारे लिए। और फिर शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज का इमरान, मुझे नहीं लग रहा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में, चूंकि उनकी निस्बतन कमजोर टीम है, इन दोनों को मौका मिले तो यंगस्टर्स को जो मौका मिले उसे उन्हें ग्रैब करना चाहिए।
हो गया। मिर्जा साहब, शाहनवाज धानी बिलाखिर उनका डेब्यू हो गया, मेरे ख्याल से सिंध के अंदर तो बड़ा जश्न मनाया जा रहा होगा। छुट्टी तो नहीं आज सिंध में धानी के डेब्यू? नहीं, छुट्टी नहीं है, लेकिन खुशी का मौका है कि पाकिस्तान के जो 95 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं T20 के, उनमें पहला खिलाड़ी है जो लाड़काना में पैदा हुआ और जिसका ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है, तो विच इज अ गुड साइन फॉर द यंगस्टर्स। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन होगी कि एक छोटे से गांव से आकर और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। कल उसने 147 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी एक तेज गेंद की और उसने तीन ओवर में अगरचे 24 रन दिए लेकिन 10 डॉट बॉल्स की उसने, और जिस अंदाज से उसने बांग्लादेश के जो पिछले मैच के टॉप बैट्समैन थे नजमुल हसन शंतू, जिस तरह से उससे बोल्ड किया उनको, वो भी देखने वाली डिलीवरी थी। तो अभी इसको मौका दिया जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए, ये नहीं एक मैच के बाद इसे किस्से पारीना बना दे, बल्कि आज ये दोनों जो हमारे पेसर्स हैं, एक मोहम्मद वसीम जूनियर और वसीम वजीर भी जिन्हें कहा जाता है, और शाहनवाज धानी, दोनों में बड़ा पोटेंशियल भी है और दोनों ने ये पोटेंशियल शो भी किया कल। बड़े इकोनॉमिकल, बड़े वेल कैलकुलेटेड वसीम भी रहे, और धानी की वो जो एक पहले ओवर की तीसरी बॉल की आप बात करें जो शंटू को पड़ी, वो कमाल बॉल थी। तो इससे आपको लगता है कि ट्रेलर इतना जबरदस्त है कि फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ देयर करियर? बिल्कुल, और देखिए आपने मोहम्मद वसीम की बात की, शुमाली वजीरिस्तान से इनका ताल्लुक, वजीर कबाइल से इनका ताल्लुक है, वो लिखते नहीं है मोहम्मद वसीम वजीर, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर लिखते हैं क्योंकि लैपटॉप चीफ सेलेक्टर जो थे मोहम्मद वसीम वो सीनियर है, तो इसलिए वो मोहम्मद वसीम जूनियर लिखते हैं, लेकिन वो उनमें बहुत पोटेंशियल है। अभी उसकी बैटिंग नहीं आई इमरान, उसकी वो मैं कश्मीर प्रीमियर लीग में था, वो लंबे लंबे छक्के मारता है, तो ये दोनों धानी और मोहम्मद वसीम फास्ट बॉलर्स के लिए हमारी पाकिस्तानी सरजमीन जो है वो बड़ी जबरदस्त साबित हुई है कि बड़े अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। तो अब भी ये दोनों आए हैं, आई होप कि इनको मौका मुस्तकिल मिले, ये ना हो कि इनको घुमाएं फिराएं और बाहर कर दें, इनको खिलाते रहें तो ये पॉलिश हो जाएंगे। ठीक हो गया मिर्जा साहब, अब जो पहला टेस्ट मैच है 26 नवंबर को खेल शुरू होगा, टेस्ट मैच के हवाले से भी क्या लगता है, टीम पहुंच तो चुकी है ऑब्वियसली और मेरे ख्याल से आइसोलेशन में रह के अब ज्वाइन भी कर लेंगे, तो क्या एक्सपेक्टेशन है टेस्ट मैच को लेके? देखिए 26 नवंबर को टेस्ट शुरू होगा सुबह 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, आपका उस वक्त एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो शुरू होगा और 9 बजे मैच शुरू हुआ करेगा रोजाना, और पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के मुकाबले में, अब उनका कप्तान नया आ गया है मोमिनुल हक, उनकी कप्तानी करते हैं टेस्ट मैचेस में, तो वो कप्तानी करेंगे, फिर शकीबुल हसन को उन्होंने अगरचे रखा है लेकिन उनकी फिटनेस से मशरूत है, मुशफिकुर रहीम को वो वापस ले आए हैं, तो उनकी टीम बस अपने होम ग्राउंड पर डिफिकल्ट टीम है, और पार्टनर है वो अब टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह इमामुल हक इनिंग ओपन करेंगे, दो दो ऑफ स्पिनर हम लेकर गए, यासिर शाह फिट नहीं है, हमने उस्मान कादिर को भी नहीं रखा, बिलाल आसिफ और साजिद खान इतने इंप्रेसिव नहीं रहे जिम्बाब्वे में, तो पाकिस्तान को अपर हैंड तो है, लेकिन और फिर अजहर अली वापस आ जाएंगे पाकिस्तानी टीम में, मैं हैरान हूँ शान मसूद को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, इतना टैलेंटेड क्रिकेटर है और उसने डोमेस्टिक में इमरान आप सही कह रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में ये होता है ना कि अगर किसी के बारे में कहा जाए कि कप्तान बन जाएगा तो उसको बाहर कर देते हैं, असद शफी की मिसाल हमारे सामने है, शान मसूद की मिसाल हमारे सामने, शान की लक भी तो नहीं चल रही ना, मुल्तान सुल्तान में भी अचानक तब्दील हो गए थे और रिजवान आ गए थे। खैर चले, इस पर डिटेल्स में साहब बात होगी, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया, डिटेल एनालिसिस हमने रखा। मैं साहब का कह रहा था कि हमें जीत की खुशी में अपनी जो नाकामियां हैं और जो हमारी कमियां कोताहियां उनको नहीं भूलना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए। और शाहनवाज धानी की हम बात कर रहे थे, कल जब उनको कैब दी गई सरफराज अहमद की जानिब से, उसके बाद कुछ उनके जो, लेकिन उससे पहले उनको उनकी अपनी अम्मी से भी तो बात हुई, वो भी वीडियो हमने आपको दिखानी है, तो देखते हैं ये तो उनकी कैब वाली कैब दी गई। चलें जनाब, अब जो कैब मिली है उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाते हैं, जिसमें दीगर प्लेयर्स भी मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है, जहाँ पे सरफराज अहमद ने शाहनवाज धानी को कैब दी और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। Look at the happiness of him. He is such a cute face of Pakistan. He is very young and energetic. इसमें देखा था, और 2021 है, इन दो सालों में जो आपने जो मेहनत की है, जो क्रिकेटर आपने जो इम्प्रूवमेंट की, वो सबके सामने और इसके साथ ही ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
back to Expresso. मेरी तरफ से भी welcome back to Expresso. कटे बोल रहा था. Thank you very much for staying with us. I hope आपका दिन अच्छा गुजरा है हमारे साथ अभी तक. आपको मेरा पाकिस्तान दिखाते हैं और मेरा पाकिस्तान में इतनी जगह दिखा चुके हैं हम. आज भी एक बड़ी खास जगह पहना लेके जा रही हैं हमें और बीर जाकर आजम रिंद साहब का जो मकबरा है वो एक बड़ी तारीखी हैसियत रखता है. हिस्टोरिकली हम अगर देखें अब किस हालत में है और इसकी तारीखी अहमियत क्या है मेरा पाकिस्तान में देखें. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं 15वीं सदी ईस्वी में पैदा होने वाले बलोच सरदार मीर चाकर आज़म रिंद का मकबरा आपको दिखाऊंगी. आज मैं सदघरा में मौजूद हूँ जिसे मुग़ल बादशाह हुमायूं को दिल्ली का तख्त वापस दिलवाने वाले मीर चाकर आज़म रिंद ने आबाद किया था. उस वक्त इस शहर की हिफाजत के लिए एक कला भी बनाया गया था. आइए चल के जानते हैं इस मकबरे के बारे में और मीर चाकर आज़म रिंद के बारे में. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र. इस वक्त हमें सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हमारे गेस्ट अली लाशारी ने ज्वाइन किया है. सबसे पहले तो इनसे जानते हैं कि मीर चाकर आज़म रिंद थे कौन और तारीख के औराक में उनका कितना बड़ा नाम है. मैम, मीर चाकर आज़म रिंद साहब जो है ना, ये बलोचों के सरदार थे. ये सिर्फ बलोचों के नहीं, रिंद कबाइल के भी सरदार नहीं थे. ये सब जितने कबाइल थे, लशारी थे, उसमें उनकी औलाद चलती रही हैं जितने भी, तो उन सब के जो है ना ये सरदार थे. 15 सेंचुरी में ये बलोचों का एक अरूज का दौर था. अच्छा, मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा, इस मकबरे की अगर बात की जाए तो कितने रकबे पर मुश्तमिल है, किसने इसको शुरू किया और फिर किसने इसको मुकम्मल किया? ये तकरीबन कोई 4 एकड़ पर मुश्तमिल है. अच्छा, 4 एकड़ पर. हाँ जी, उसके अलावा इसे सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने इसे कंप्लीट किया था, स्टार्ट किया था. अच्छा. कंप्लीट है, अभी वर्ल्ड सिटी हमारा डिपार्टमेंट है उसको दिया गया, तो हमने रेनोवेशन किया, उसे कंजर्व किया है. सर, अगर बात की जाए रिंद कबीले की और लाशारी कबीले की, हिजरत करके वो ईरान से यहाँ पर आकर क्यों आबाद हुए और कब आबाद हुए? असल में जितने कबाइल हैं या तो जंगों की वजह से निकल आते हैं, उसके अलावा या तो कहत होता है किसी एरिया में, तो उसकी वजह से हिजरत करते हैं, तो इन्होंने ईरान से मकरान की तरफ हिजरत की थी. अच्छा अली, ये बताइएगा कि मीर चाकर आज़म रिंद ने अपने बलोच सरदारों के साथ बलोचिस्तान से पंजाब में हिजरत की, कब हिजरत की? तकरीबन 1518 का दौर था उस टाइम, जिस टाइम ये इधर सतगरा में आए थे. तो उन्होंने फिर हुमायूं के साथ मुलाकात करके, हुमायूं ने कहा था कि हमारी हेल्प की जाए, तो उन्होंने हेल्प की थी. और जो ना दिल्ली जो एक किला है फतह करके और दिया गया था, और फिर उन्होंने सतघरा जो है ना इनको दे दिया था तोहफे में. क्या पेश किया था? तोहफे में सतघरा. बिल्कुल इसी तरफ में आ रही थी कि जब हुमायूं की मदद की मीर चाकर आज़म रिंद ने, तो क्या तोहफे तहाइफ उनको पेश किए गए? बिल्कुल, यही सतघरे का इलाका था और मुल्क का जो भी उसके इलाके थे ना, कि यहाँ के आप हुक्मरान. अच्छा अली, हम चाहेंगे कि आप हमें ये मकबरा भी दिखा दें, इसके बारे में बता दें. और एक और सवाल मेरे जहन में, मुझे ये बताइएगा कि रिंद और लाशारी कबीले के दरमियान जंग क्यों हुई थी, उसकी क्या वजह थी और वो जंग कितना अरसा रही थी? रिंद और लाशार कबीले के तकरीबन जो है ना ये जंग 30 साल जारी रही थी. मुख्तलिफ हिस्ट्री में मिलता है, एक तो मिलता है कि ये हॉर्स राइडिंग रेस की वजह हुई थी. अच्छा. सेकंडली जो है ना एक और हिस्ट्री में मिलता है कि एक औरत ने पनाह ली थी मीर चाकर रिंद के पास. काफी मालदार थी तो उसको नुकसान पहुंचाया गया था, ये भी रीजन बनी थी. अच्छा अली, वैसे कितनी आयरोनिक बात है कि लाशारी और रिंद कबीले में 30 साल तक जंग रही और आज अगर मैं देखूँ तो लाशारी कबीले का ही एक शख्स जो है वो रिंद कबीले के सरदार की हिफाजत कर रहा है, देखभाल कर रहा है, क्या कहेंगे? वैसे तो मुश्किल क्वेश्चन आपने कर दिया. लेकिन ये तकरीबन कुछ जंग 500 साल पहले की हुई थी. हाँ जी. लेकिन अब फर्दर इसको तूल देना कोई अच्छी बात तो नहीं, अच्छी है. बात नहीं है, इस्लाम भी हमें इजाज़त नहीं देता है. तो अली, अगर उस टाइम ये जो दिल में नफरतें थीं या जो भी डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म कर दिया जाता, क्या लगता है कि दोनों मिलकर रिंद और लाशारी कबीला क्या उस वक्त हुमायूं और बाबर के मदे मुकाबले एक हुकूमत खड़ी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि रिंद कबीले की तकरीबन कुछ 40,000 आर्मी थी और लाशार कबीले की भी 30-40,000 थी. तो अगर ये किसी और को दिलवा सकते हैं लश्कर मिल के फतवाहत,
तो क्यों नहीं मिलके अपनी हुकूमत बना सकते थे ये? बिल्कुल बना सकते थे अगर ये उस टाइम यूनाइट होके रहते, इकट्ठे होके रहते। अच्छा, थोड़ी सी मकबरे की हम बात करेंगे, बताइएगा कि कौन सा मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अगर मैं दीवारों की बात करूँ, कौन सी ईंट का इस्तेमाल किया गया, कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया है? ये मकबरे तकरीबन 6-6 फुट मट्टी चढ़ी हुई थी। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसकी हमने पहले तो एक्सकेवेशन की है। ओके, एक्सकेवेशन के बाद जो पहले दौर में छोटी ईंट इस्तेमाल होती थी, इसका साइज 8x2 इंच है, ठीक है। तो ज्यादातर वही हमने इसको कंजर्व किया है, रेनोवेट करके। जो नई बिल्डिंग हमने बनाई है उसमें तो नया मटेरियल इस्तेमाल किया, लेकिन जितनी ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये मकबरे की होगी, एक्सकेवेशन करके हमने जो है ना इसका मटेरियल जो इस्तेमाल किया था वो कसूरी मट्टी थी, इसके अलावा लाइम था। अच्छा। और साथ जो है ना ये कंकर लाइम था, इससे फिलिंग की थी। तो अली मुझे ये बताइए, जिस तरह से अब इस मकबरे को रेस्टोर किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया? क्या वही मटेरियल जो पहले इस्तेमाल किया गया? हाँ जी, वही मटेरियल। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात करें तो मकबरे में जो अंदर रेनोवेशन का काम हो रहा है, वजीर आला पंजाब ने इसकी जो है ना तामीर नौ के लिए आपको कुछ फंड्स भी दिए हैं, तो किस तरह से काम जारी है? ये इसके दो फेज बनाए हैं। पहले फेज में तकरीबन इनिशियल तो 100 मिलियन दिए गए थे। अच्छा। प्लानिंग डेवलपमेंट की तरफ से, और बाद में इसे जो है ना रिवाइज किया है, 128 मिलियन दिए गए हैं। सेकंड फेज में जो है ना हमने ये बनाना है, रेस्ट हाउस बनाना है, क्राफ्ट शाफ्ट, क्योंकि बलोची कल्चर को प्रमोट करना है, प्रमोट करना है। हाँ जी, और टूरिज्म भी प्रमोट हो, जो कि वजीर आला वजीर आजम का विजन है। बिल्कुल, आपने टूरिज्म की बात की, हमारे वजीर आला और हमारे वजीर आजम का भी यही विजन है। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो क्या ये जगह, ये मकबरा आम आवाम के लिए खुला है? हाँ जी, खुला ही है, क्योंकि ये तकरीबन बने उसे 6 माह हो गए हैं, ये आवाम के लिए खुला हुआ है। ये जो कल्चरल गैप है, ये हाँ, इस तरह की जगहों को रेनोवेट करने का, आबाद करने का मकसद ये होता है कि इस तरह के गैप्स को खत्म किया जाए। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि मीर चाकरे आजम रिंद के साथ बलोचिस्तान से यहाँ कितने खानदान आए थे, और इस जगह को सतघरा क्यों कहते हैं? ये तकरीबन मीर चाकर रिंद के साथ 7 खानदान आए थे, जिसकी वजह से इसे सतघरा कहते हैं। सतघरा, सात घरों वाला, सात मीन सात घरा मीन घर, जिसे कह सकते हैं आप। तो क्या यहाँ पर 7 घर हुआ करते थे? हाँ जी, स्टार्ट में तो इसी तरह ही था, 7 घर थे। ठीक है। अच्छा अली, यहाँ पर मुझे बहुत एंटीक और कदीम घर नजर आ रहे हैं, क्या ये उसी वक्त के हैं? हाँ जी, उसी वक्त के हैं। इधर जो है ना काफ़ी किले के अंदर हम देखें तो काफ़ी हिस्टोरिकल घर हैं, उसमें से इधर खन्ना फैमिली जो इंडिया की फैमिली है उनके भी घर हैं। अच्छा। स्टार्ट में। अच्छा अली, ये जो आउटर वॉल है इस मकबरे की, अभी तक अपनी तकरीबन असली हालत में ही मौजूद है, मुझे नहीं लगता इसको रेनोवेट या प्रिजर्व किया गया। रेनोवेट किया गया, इसकी तो हालत देखने वाली बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल गिरने वाली थी। अच्छा, गिरने तो किस चीज का? इधर भी सेम वही मटेरियल इस्तेमाल, मट्टी लाइम और कंकर के साथ हमने इसकी फिलिंग की है। तो यह पुरानी तस्वीरें देखी तो ये बिल्कुल देखने के काबिल भी नहीं है। अली, ये बताइएगा कि क्या मौसम असर अंदाज होता है इस तरह के मकबरों पे, इस तरह की बिल्डिंग्स पे? जाहिर सी बात है, बारिश जिस टाइम होती है, अगर मटेरियल नाकिस हो या बिल्कुल गिरने वाली दीवारें हो तो उस पर असर अंदाज करता है। यहाँ पर मुझे कुछ टूरिस्ट भी नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस जगह के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। अच्छा मोहम्मद तनवीर, ये बताइएगा कि इस मकबरे के बारे में क्या कहेंगे, कितना जरूरी है इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस को रेस्टोर करना? बेसिकली ये हमारे विरसा है, इनकी केयर के लिए और यहाँ पे वॉकिंग के लिए या बच्चों को चीजें दिखाने के लिए, ये हमारे लिए मुनफरिद चीज है। तो बल्कि लोग दूर दराज से आते हैं, हम भी यहाँ पे देखने के लिए आए हैं कि ये हिस्टोरिकल जो प्लेस है हमारे लिए किस तरह है, हमारे आबाओ अजदाद थे जो, उनके लिए कैसी थी। तो इसलिए हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें, और डेवलपमेंट से ये होगा कि बच्चों को मजीद, हमारे आने वाले बच्चों को भी पता चले कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है कैसी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं? जी, मैं फैमिली के साथ आया हूँ, बच्चों को वीकेंड पे भी हम अक्सर यहाँ पे लेके आ जाते हैं सैर के लिए, और बच्चे ये चीजें देख के बड़ा अपने आप को अच्छा फील करते हैं और देखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सभी विरासत है। जी जी, ये हिस्ट्री है और इसको हमें बच्चों को बताना चाहिए, उनको लेकर आना चाहिए ताकि वो आशना रहे। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए ये मुनफरिद चीज़ है, इसलिए बच्चे देख के बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि नई डेवलपमेंट है जो आजकल, वो और चीज़ है, ये जो विरासती चीज़ है, इनकी जो ईंटें हैं या गेट्स वगैरह के ये स्टैचूज वगैरह देख के बच्चे बड़ा अपने आप को बेटर फील करते हैं और बड़ा खुश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम,
मेरा नाम आसिम गिलानी है, मैं यहाँ का रहायशी हूँ। अच्छा आसिम, आप इस जगह के रहायशी हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि सामने ये जो घर है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इस बिल्डिंग के बारे में ये बताया गया है, जो मैंने सुना सीना बसीना चली आ रही, और इसमें हिस्ट्री भी है कि ये राजेश खन्ना फैमिली के जो पूरी फैमिली थी वो यहाँ की है बेसिकली। अच्छा, सात घरा से। और राजेश खन्ना के जो परदादा थे उसका नाम था कालू खन्ना जी। वो यहाँ रहते थे, यहाँ से फिर वो पार्टीशन के बाद माइग्रेट करके इंडिया चले गए। तो ये घर जो है बिलोंग करता है उनको। ठीक है, तो ये कालू खाना अपनी असली हालत में अभी भी ये असली हालत में, लेकिन रेनोवेशन की जरूरत है। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे टूरिस्ट कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या दूर दराज इलाकों से आते हैं? देखिए, आज से कुछ चंद साल पहले पीछे जाएं तो टूरिस्ट फॉरनर्स भी बहुत आते थे, इटली से आते थे, अमेरिका से आते थे, इंडिया से आते थे। लास्ट टाइम इंडिया से कुछ लोग आए जिनका यहाँ घर मौजूद है, वो अपने घरों में गए, वहाँ देखा जाके उन्होंने अपने घरों को। और एक चीज उनको पता थी जो यहाँ के रहायशियों को नहीं पता थी, कि फलां जगह पे हमारी फलां चीज पड़ी हुई है, उन्होंने उस चीज को वहां से डिग आउट किया और अपने साथ ले गए। ये भी है, सिख हजरात आते हैं काफी यहाँ, और दूर के लोग, मतलब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं विजिट करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अली, मुझे अंदर सात कबूर नजर आई हैं, वो किस किस की हैं? ये मैम, एक तो मीर चाकर रिंद की है, बाकी उनके अहले खाना है, जो उनके साथ बच्चे, उनकी बीवी, जो भी आए थे ना, ये सारी उनकी। अच्छा अली, जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे एक बहुत बड़ा सा कदीम दरख्त नजर आया, क्या ये उसी दौर का दरख्त है सामने? ये तकरीबन कोई 40-50 साल पहले का है और काफी पुराना दरख्त है। अच्छा। इसकी छांव भी गर्मियों में बड़ा फायदा देती है। बिल्कुल। तो हमने इसके साथ नीचे सिटिंग स्टेप बना दिए हैं, तो अब इधर टूरिस्ट जो है ना आके बैठ सकते हैं। ये भी एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है बिल्कुल, इतना बड़ा माशाल्लाह दरख्त। अच्छा अली, जिस तरह से हमारे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने मीर चाकर आज़म रिंद के मकबरे की तामीर नौ के लिए फंड्स दिए हैं, आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है इस तरह के तारीखी मकामात की हिफाजत करना, उनको महफूज करना? ये हेरिटेज जितने भी हैं, ये हमारा कौमी विरसा है, तो इसको कंजर्व करना चाहिए। तो सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, जो उसके फंड जारी किए, मजीद भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि नेक्स्ट जो है ना हम इसके और भी फंड जारी करेंगे। जबरदस्त हो गया, और आने वाली नस्लें, ताकि उनको मालूम हो सके कि ये जो हमारा विरसा है, हमारा कल्चर है, हमारी जितनी भी हेरिटेज है वो कितना रिच है, उसको महफूज करना जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया लीला शारी आपके कीमती वक्त का। ये था आज का मेरा पाकिस्तान, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो, बारी है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक हमेशा की तरह कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं। चाइना के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कान है जो पूरी कायनात को सुनता है। कायनात को सुनता है। वो कान क्या है, देखते हैं आज के साइंस एंड टेक में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। इस दफ़ा की कहानी बड़ी दिलचस्प है, और ये कहानी शुरू होती है एक गांव से, चीन के अंदर गवैजो जो कि प्रोविंस है, उसके अंदर एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसमें 65 अफराद रहा करते थे। और वो गांव क्या था, एक प्याला नुमा, या जिसके सराउंडिंग्स में जो है वो पहाड़ थे और वो एक प्याला नुमा था। तो उस वक्त चाइना के रिसर्चर्स ने उसको देखा, उस जगह को, तो एक फैसला हुआ कि यहाँ पे एक टेलीस्कोप बनाई जा सकती है। तो वो जगह जहाँ पे टेलीस्कोप बनाई गई, और इसके अलावा वो जो 5 किलोमीटर का रेडियस है जहाँ पे 9,000 से ज़ायद अफराद रहते हैं, उस जगह को, उस जगह के जो बासी हैं उनको रिलोकेट करने के लिए, मुख्तलिफ और जगह पर बसाने के लिए $269 मिलियन का जो बजट था वो चाइनीज़ हुकूमत ने खर्च किया। दुनिया की इस सबसे बड़ी टेलीस्कोप पर जो खर्च आता है वो तकरीबन 180 मिलियन डॉलर हैं। और ये आइडिया बहुत पुराना था, लेकिन 2007 या 8 में इसको बिल्कुल फाइनलाइज़ किया गया, और 2011 में इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी तामीर जो है वो शुरू हुई। ये टेलीस्कोप कितने एरिया पर है, ये एरिया जो है आपको विजुलाइज़ करने के लिए एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी जा सकती है कि 30 फुटबॉल ग्राउंड्स जितना जो एरिया है, तो 30 फुटबॉल के जो मैदान है उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो इतना बड़े एरिया पर ये टेलीस्कोप है। जब ये टेलीस्कोप बन गई तो इस अजूबे को देखने के लिए बहुत ज़्यादा सयाहों ने इसकी तरफ रुख किया, टूरिस्ट ने इसकी तरफ रुख किया, उसमें चीनी सयाह जो हैं वो पेश थे, और तकरीबन 10 मिलियन टूरिस्ट जो हैं उन्होंने 2017 में इसका विजिट किया। और इससे डेफिनेटली काम जो है वो मुतासर हो रहा था, तो उसकी वजह से फिर पाबंदी लगा दी गई, और ये पाबंदी ये इस तरह लगाई गई कि अब तकरीबन 3,000 टूरिस्ट जो हैं वो पर डे
पे विजिट कर सकते हैं और उसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन एक बुकिंग करानी पड़ती है। इस बढ़ते टूरिज्म के हवाले से चाइनीज हुकूमत ने यह फैसला किया कि यहाँ पे 10,000 किलोमीटर की नई हाईवेज बनाई जाएंगी और इसके अलावा कुछ 17 नए एयरपोर्ट्स तामीर किए जाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए इसकी सिग्निफिकेंस का कि ये कितनी बड़ी टेलीस्कोप है और कितनी अहम टेलीस्कोप है। जब आप इस टेलीस्कोप को विजिट करने के लिए जाते हैं तो इससे पहले एक बड़ी खूबसूरत अट्रैक्शन है, बड़ी खूबसूरत कशिश है, वो है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्लैनेटेरियम। और ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस के हवाले से हैं, आप स्पेशली हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस तरह काम करता है, यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म भी दिखाई जाती है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई जाती हैं स्पेस से मुतल्लिक, बहुत ही खूबसूरत तरीन चीज़ें जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। और उसके बाद आप जाके देखते हैं कि ये टेलीस्कोप जो है ये कितना बड़ा अजूबा है और यकीनन ये बहुत बड़ा कारनामा है। फास्ट की ये जो ज़बरदस्त और अजूबा किस्म की टेलीस्कोप है इसमें 4,500 ट्राइंगुलर पैनल लगे हुए हैं और ये जो टेरेन है, ये जो जगह है, ये टोटल एक माउंटेंस हैं और यहाँ पे जिस तरह सड़कें पहुँचाई गई और जिस तरीके से ये इतना मेगा स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी तामीर की गई, तो डेफिनेटली आपके जहन में आता है कि चीनी जो है जिस तरह की अनथक किस्म की कौम है और जितनी मिनती कौम है तो ये ही वो इतना बड़ा अजूबा जो है और इतना बड़ा काम जो है वो सर अंजाम सकती थी। ये यकीनन एक बहुत बड़ा अजूबा है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी के हवाले से जितने भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं तो उससे पहले यकीनन उनके मकासद का तय्यन किया जाता है। और आपको ये बताता जाऊँ कि ये टेलीस्कोप जो है ये कोई दुनिया की आखिरी बड़ी टेलीस्कोप नहीं है, पाइपलाइंस में इससे बड़ी टेलीस्कोप्स मौजूद हैं जो कि वो भी बहुत जल्द बन जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले से मकासद का जो है वो तय्यन किया जाता है। तो इसके जो मकासद थे और उसके बाद ये मकासद पूरा उतरी या नहीं उतरी उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो मकासद थे पहले उस पर बात करते हैं। इसके जो मकासद थे उनमें लार्ज स्केल न्यूट्रल हाइड्रोजन सर्वे था, पल्सर ऑब्जर्वेशन था, डिटेक्शन ऑफ इंटरस्टेलर मॉलिक्यूल्स था, डिटेक्टिंग इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन सिग्नल्स था और पल्सर टाइमिंग एरेज था। तो इसने बहुत ही मुख्तसर वक्त में यानी चंद सालों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की दरियाफ्ती की और 2 पल्सर जो थे बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे इसने दरियाफ्त किए जिनकी तस्दीक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एक ऑब्जर्वेटरी ने भी की। तो चाइना जो है उसका जो स्पेस प्रोग्राम है वो भी उतनी ही अहमियत का हामिल है और उसके पास भी बहुत सारी कामयाबियाँ हैं, बिल्कुल इसी तरह नासा है, इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है या रशियन स्पेस एजेंसी है या कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। तो इस इन्हीं की तरह ये दुनिया में जो खला के हवाले से तहकीकात हैं उनमें चीन का यकीनन बहुत बड़ा एक किरदार है। अच्छा सर, हमने क्योंकि पल्सर्स की बात की है तो पल्सर जो है वो उसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, यानी एस्ट्रोनॉमी की एक सलाह है और उसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें क्योंकि इसके बुनियादी तरीन मकासद में ये चीज़ शामिल है इस टेलीस्कोप की, तो उसको अगर हम बहुत ही आसान तरीके से उसको अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो बेसिकली एक पल्सर क्या है, एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि रैपिडली रोटेट कर रहा होता है, न्यूट्रॉन स्टार, और रेगुलर पल्सेज जो हैं वो रेडियो वेव्स की वो एमिट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको 1000 पल्सेज पर सेकेंड यानी 1000 पल्सेज पर सेकेंड के हिसाब से वो खारिज करता है और यहाँ पे उनको डिटेक्ट किया जाता है। तो इसकी जो बुनियादी तरीन मकासद थे ये टेलीस्कोप के वो उनमें से एक मकसद जो था वो ये था और इसमें वो कामयाब हुई है। तो चाइना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत तेज़ी से एक पेशरफ्त हो रही है, पिछले 3-4 दहाइयों में हमने देखा है कि एक कमाल पेशरफ्त हमें नज़र आती है। वेस्ट से जो खबरें आती हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की वो बहुत तेज़ी से हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना के हवाले से भी हमारे बच्चों को भी और हमें भी बहुत ज़्यादा आगाह होना चाहिए कि चाइना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या हो रहा है। देखते रहिए साइंस एंड टेक। एक्सप्रेसो, अब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले वो है पानी के हवाले से, यानी कि पीने का पानी और जो आपकी बॉडी के अंदर पानी की जो कमी का मसला है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली सर्दियों में हमारी प्रैक्टिस कम होती है कि पानी की जो मुनासिब मकदार है वो जिस्म के अंदर कम हो जाती है और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम सर्दियों में भी पानी का उतना ही इस्तेमाल करें या कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए या उसी तरह से जिस तरह से हम गर्मियों में इसको कंज्यूम करते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं हिना नीस, उनको करेंगे। थैंक यू वेरी मच हिना फॉर ज्वाइनिंग अस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। है ना, हम पानी के इस्तेमाल पे बात करते हैं, गर्मियों में तो हमारा पानी का इंटेक अच्छा खासा होता है, स्वेटिंग भी हो रही होती है और वैसे भी मौसम एक होता है, लेकिन सर्दियों में हमारी प्रैक्टिस नहीं है कि हम पानी को उस तरह से कंज्यूम करें। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या कहेंगी आप?
बिल्कुल ऐसा ही है, गर्मियों में तो ऑलमोस्ट स्वेटिंग हो रही होती है और बार बार गर्मी की शिद्दत की वजह से हम पानी की शिद्दत महसूस कर रहे होते हैं, बट सर्दियों में अक्सर ऐसे ही होता है कि हम पानी नहीं पी रहे होते, पानी को इग्नोर कर रहे होते हैं। बट हमारी बॉडी 70% तो पानी पर ही बनी हुई होती है और सर्दियों में डिहाइड्रेशन अक्सर अमूमन तौर पर हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन अमूमी तौर पर बढ़ जाता है, किडनी की डिजीज़ बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें वाफर मकदार में पानी का इस्तेमाल सर्दियों में करना चाहिए। इसकी एक बड़ी आसान सी प्रैक्टिस है कि पानी की एक छोटी बॉटल 500 ml की बॉटल हमें अपने पर्स में, बैग में, बच्चों के बैग में ज़रूर रखनी चाहिए। देखिए, अगर वो पानी की फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़े से मिंट लीव और लेमन का एक जो होता है ना क्यूब, वो डालें तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। इसका एक बहुत ज़्यादा मसला ये भी होता है कि जब यूरिन का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इनफैक्ट बच्चों में, तो बच्चे तो रिकग्नाइज़ भी नहीं कर सक रहे होते हैं, बस बेचैन हो जाते हैं। छोटे बच्चे तो इतने बेचैन हो जाते हैं कि इरिटेट होने लगते हैं और वो पता भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है। उसकी वजह से बुखार हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम भी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, किडनी के इशूज़ हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्किन इतनी डिहाइड्रेटेड हो जाती है कि स्किन पे इचिंग, आपने देखा होगा कि स्किन पे वाइट पैचेस हो रहे होते हैं, ये भी पानी की कमी की वजह से हो रहे होते हैं। कॉफ़ी का इस्तेमाल इतना कर देते हैं, आपको पता है कि एक कप कॉफ़ी जब हम पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसके साथ 3 कप एक्स्ट्रा वाटर पीना चाहिए, और सर्दियों में हम कितनी एक्स्ट्रा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तो इसलिए भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपने स्किन ड्राइनेस के हवाले से खुद ही रेफर कर दिया कि स्किन ड्राइनेस भी इसी वजह से होती है, मेरा अगला सवाल भी यही था। तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन से बॉडी के अंदर सिम्टम्स हैं जिनको देखकर हमें एहसास हो जाना चाहिए कि वी आर फेसिंग सफरिंग थ्रू डिहाइड्रेशन? जी बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर 1, वाइट पैचेस आएंगे, राउंड राउंड से वाइट पैचेस आएंगे। नंबर 2, आपको होगा कि आईज के गिर्द छोटी छोटी रिंकल्स, जो कि अगर प्री मेच्योर एजिंग भी जिसको कहें, वो सर्दियों में ज़्यादा नुमायाँ होंगी। आपको इचिंग शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ख़ारिश आपको नाखूनों के इर्द गिर्द, कोनियों पे और पूरी बॉडी में होगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की निशानी है। आपको यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, किडनी की तरफ दर्द होगी, आपको बॉडी में क्रैम्स आएंगे, आपको मसल्स में स्ट्रेचिंग फील होगी, आप लिथार्जिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा थकावट फील होना भी पानी की कमी की निशानी है। आपको भूख लगेगी, बेवक्त की भूख लगना भी पानी की कमी की निशानी होती है। भूख की कमी, आपको बार बार भूख का लगना, ये नहीं होता कि आपको खाना खाना है, आपको पानी आपने कम पिया है, ये भी निशानदेही होती है कि आपको पानी की कमी है। अच्छा जी, आपको इन्फेक्शंस का हो जाना, बुखार का चढ़ना, ये भी होती है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। ये बहुत सारी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये भी पानी की कमी की वजह से हो रहा होता है। ठीक हो गया है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट हम अगर जानना चाहें। ऑब्वियसली नॉर्मली लोग कहते हैं कि पानी का इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब 8 ग्लास होने चाहिए, 10 ग्लास होने चाहिए, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन एक निहार मुंह पानी पीना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है और ऑब्जर्व किया है कि जब वो सुबह उठते हैं तो वो कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पी लें। इज इट गुड कि आप निहार मुंह 4 ग्लास 5 ग्लास पानी पिए और उसके बाद फिर अपने दिन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करें? देखिए, ये भी एक चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है। अगर मैं, हर किसी का ना डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, फिर उसके साथ आपको पूरा दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स वैसे ही करना है। अगर आपने इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना है तो आगे का पूरा दिन का पैटर्न भी फिर वैसे ही होना है, लाइफस्टाइल आपका, फूड हैबिट भी फिर वैसे ही है, नहीं होनी है कि आपने आपकी पूरी डे का रूटीन, आपका डाइट पैटर्न भी डिटॉक्सिफिकेशन ही होना है। जब तक तो ये ठीक है, अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ आपने गलती करी, यहाँ आपने अपनी किडनी को ओवरलोड कर दिया है वाटर से, ये गलती है, ये ना करें। 3 और 4 ग्लास पानी पीकर आपने अपनी किडनी को ओवरलोड करा, मे बी आपको किडनी की ऐसी बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो पहले अपने डाइटिशियन से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें कि आया ये प्रैक्टिस आपके लिए ठीक भी है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रैक्टिस वैसे नॉर्मली क्या निहार मुंह पानी पीना बेहतर है, पी लेना चाहिए या नहीं, पहले कुछ खाना चाहिए? 1 ग्लास एक ग्लास पानी पीना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर, आप लेमन जूस के साथ या आंवला जूस के साथ या कोई भी ऐसी अल्कलाइन चीज़ के साथ जिससे एसिडिक आपकी बॉडी का लेवल कम हो जाए, उसके साथ आप पी सकते हैं, या आप कोई भी कोकोनट वाटर, लौकी का जूस, इस तरीके का जूस आप पी सकते हैं।
ओके, ये पी सकते हैं। अच्छा, बच्चों के हवाले से आपने कहा, और ख़ास तौर पे जो ये जो ऐसे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर जो बच्चे बता नहीं सकते अपने कुछ यू नो बॉडी के अंदर अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसमें माओ के ऊपर फिर ओबियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। माओ को इन बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर पानी की मिकदार को जिस्म में पूरा करने के लिए बच्चों की? देखें, मदर जो होती हैं वो बेस्ट ऑब्जर्वर होती हैं। मदर्स को बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से खुद ऑब्जर्व करना होता है। अगर 2 साल से छोटी उम्र का बच्चा है तो वो इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता, और 1 साल से छोटी उम्र का बच्चा है तो वो तो बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकेगा। तो मदर्स को ऑब्जर्व करना है एजली अपने बच्चों को ना, 1 साल से छोटी उम्र का बच्चा है तो उसकी हरकत को ऑब्जर्व करना है, उसकी स्किन को ऑब्जर्व करना है, उसकी एनर्जी लेवल्स को ऑब्जर्व करना है, स्किन वाइज ऑब्जर्व करना है कि कहीं मेरा बच्चा डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो रहा। खुद उसके पानी के कंजप्शन को ऑब्जर्व करते रहना है कि उसकी एज के लिमिट के हिसाब से उसको 2 कप्स 3 कप्स वाटर दिन में देना है अंडर 1 एज, ठीक है। ओवर 1 एज को उसको 3 to 4 कप्स वाटर देना है। इसके बाद जब 2 साल के बाद बच्चा बोलने लगता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो बच्चा खुद बता रहा होता है कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, इस तरह वो आगे शिकायत कर रहा होता है। बच्चों का एक्टिविटी लेवल बहुत मैटर करता है कि बच्चा कितना एक्टिव है। फिर वो स्कूल गोइंग हो जाता है तो उसका लर्निंग और बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आपने मदर बीइंग अ मदर आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हेना, बहुत शुक्रिया कि आपने पानी के इंटेक के हवाले से स्पेसिफिकली गर्म विंटर्स की बात करें उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी किया। पानी का इंटेक जो है वो बड़ा जरूरी है, एंड हिना नीस हमारे साथ मौजूद थी और इस हवाले से मैं बता रही थी। थैंक यू जी, हम आपकी खुराक का भी ख्याल रखते हैं, हम आपकी एक्सरसाइज का भी ख्याल रखते हैं, हम आपकी जहनी खुराक का भी ख्याल रखते हैं। Yes. और एक्सप्रेसो में हमेशा एक्सप्रेसो ट्रिब्यूट्स तो पेश करता रहता है। वी हैव टू टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट द एवर ग्रेट हीरो ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ, और नन अदर देन द चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद साहब की हम बात करने जा रहे हैं, जिनको आज हमने ट्रिब्यूट पेश करना। हमारे साथ मौजूद हैं, इतने खूबसूरत जो कह रहे हैं रुबाब बजा रहे हैं, रुबाब प्लेयर हैं और इनको हम खुश आमदीद भी कहते हैं फॉर्मली। अनिल, वेलकम टू एक्सप्रेसो। और इनके हवाले से हम आपको थोड़ा सा बता दें, इन्होंने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में क्लासिकी जो क्लासिकल राग है वो बजाया था, गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और पहली पोजिशन भी इन्होंने इस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हासिल की थी। अनिल आजम हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। तो सिर्फ 22 साल के हैं अनिल, और कैसा जबरदस्त ये इस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हो तुम्हारे सामने, क्या बजा रहे थे आप बाय द वे? ये कौन सी धुन थी? बेसिकली ये हुंजा की एक धुन है। अच्छा। जो समझ लिया कि एक लो सॉन्ग है, तो मैं उसको ट्राई कर रहा था रुबाब भी बजाएंगे। आप सारे नॉर्दर्न एरियाज, सारे से मुराद जो ज्यादा आर्टिस्ट नॉर्दर्न एरियाज के हैं, इतनी आसानी से इतना खूबसूरत रुबाब कैसे बजा लेते हैं? इतना मुश्किल लगता है, कैसे कर लेते हैं? एक्चुअली जो है वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज कह लें या फिर वहाँ पर जो हमारे इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो ईजिली काम कर रही है हमारे लिए और यूथ को मौका दे रही है कि वो आगे चीज़ें सीख लें। तो मैं भी ये हो सकता है कि हम लोग उसकी तरफ ज़्यादा। आजम, कितना टाइम हुआ है आपको ये बजाते हुए? मैं तकरीबन P9 से बजा रहा हूँ, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए, तो प्रॉपर किसी से सीखा था या आपको खुद शौक था बजा, क्योंकि ऑब्वियसली हुंजा में ये तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, तो आप बताओ कि आपने शौक क्या किया था या सीखा था? इश्क किया होगा, दिल किया होगा। नहीं, एक्चुअली मैं जब P9 में था तो मुझे
मुझे पहले से ही क्रेज था कि मैं रबाब सीख लूँ और या फिर म्यूज़िक में मैं ज़्यादा शौक रखता था। देन वहाँ पर एक उस्ताद थे हमारे जो कि अभी भी हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर होता था कि मैं जाके उनसे सीख लूँ या फिर मैं ये रबाब की जो धुन है वो सुनूँ। देन उसके बाद ग्रेजुअली मैंने स्कूल ज्वाइन की वहाँ पर जो कि आगा खान म्यूज़िक इनिशिएट की जो है एक स्कूल, उन्होंने स्कूल बनाया है, तो मैं उधर जाता था आफ्टर जो मेरा स्कूल है उसके बाद मैं वहाँ जाके म्यूज़िक सीखा था। फिर उसके बाद ग्रेजुअली वहाँ से मैं फारिग हो गया, फिर आके मैं लाहौर। अच्छा, ये जो आपने म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया अल्हम्ब्रा में, यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट आते हैं, हमें पता है पूरे लाहौर से, लाहौर इटसेल्फ एक गढ़ है म्यूजिशियंस का, आर्टिस्ट का। फिर वहाँ से हंजा से आके आपने दो कि आपका ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है और आप लोग ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कैसे जीता आपने, ऐसा क्या मुख्तलिफ था आपके आप प्लेइंग के अंदर जो बाकियों में नहीं था? जी शुक्रिया। तो एक्चुअली मैंने राग बजाया था जो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटी है वहाँ से मैंने सर से सीखा था और मैंने वहीं आके बजाया मैंने। अच्छा, और वो कौन सा राग था, कोई नाम था उसका? वो राग भैरवी। भैरवी बजाया था, थोड़ा सा बजाएं जरा। ओके, भैरवी के बारे में कहा जाता है कि बड़ा दिल पे लगता है और बड़े दुखी दिलों की आवाज़ और ऑल टाइम फेवरेट, सदाबहार भी कहा जाता है इसको। इंस्ट्रूमेंट है कि मतलब ये बज रहा होते थे रुके ना, ये प्ले होता रहे। तो अच्छा, जब आपने यहाँ पर ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस भी जीती, उसके बाद लोगों ने आपको ऑब्वियसली आप हंजा से आपने सीखा, प्रॉपर ट्रेनिंग ली वहाँ का मकामी, ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? ऑफकोर्स वो भी मेरे दोस्त थे जितनों को मैं जानता था, तो वो भी उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे और उन्होंने मौका दिया, ऑब्वियसली मौका दिया कि आप आके यहाँ पर बजाएं। फिर उसके बाद उन्होंने जब मैं जीता तो उन्होंने काफ़ी मेरी तारीफ की या फिर उन्होंने जो है अप्रोच किया, तो अच्छा लगा। अच्छा, तो जहाँ जाते हैं ये साथ जाता? बिल्कुल, मैं साथ लेके जाता हूँ। ठीक है जी। हम आपसे ये भी अगर पूछें, क्योंकि ये रुबाब और चंद और इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हर बंदा सीखना चाहता है, जो जो म्यूजिक से इंटरेस्ट रखता है, कहते हैं काश मैं ये बजा लूँ, कितना टाइम लगता है एक अच्छी प्रैक्टिस करते हुए, जब आप थोड़ा सा समझ, वैसे तो आप अभी भी लर्निंग फेज में होंगे ऑब्वियसली, लेकिन कितना वक्त लगता है जब आप एक थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बजा सकते हैं इसको, कितना वक्त चाहिए? मैक्सिमम 1 से 2 महीने लगेंगे, मतलब बस? आप जी आप बेसिक सीख सकते हो उसमें, बेसिक सीख सकते हैं। सेम एज गिटार की तरह, गिटार की तो आपने इसमें भी पकड़ी है, तारे इसमें भी हैं, बल्कि इसकी तारे ज्यादा हैं, स्ट्रिंग ज्यादा हैं जो है गिटार, और ये तकरीबन जो है सेम है, लेकिन उतना भी सेम नहीं कि मतलब वो दोनों, मतलब वो मुश्किल है, ये मुश्किल है अरबाब, ऑफ कोर्स मुश्किल है, अरबाब देखने में मुश्किल लग रहा है वो। अच्छा, इसमें आपको कितना टाइम, अभी आप चूंकि सीख रहे हो लेकिन आपने जब बेसिक सीखी ऑब्वियसली आप वहाँ पे बजाते हैं, आप लोगों को देखते भी होंगे प्ले करते हुए अरबाब, तो आपको कितना टाइम लगा? मुझे तकरीबन 2 महीने लगे थे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और इंस्पिरेशन कौन है आपकी इसमें? इसमें ज़ियाउल करीम उस्ताद हैं और नियाज हमजाई, इस्लाम हबीब और मुनीर उस्ताद जो हैं वो मेरे बड़े इंस्पिरेशन है। अनिल जो लोग नाम तो आपको बड़ा फिल्मी है वैसे, आप जैसे अनिल कपूर, अनिल राइट। वैसे तो कहा जाता है कि गाने में दर्द तब आता है जब आपने कभी इश्क किया हो, ये कहा जाता है, ठीक है, दिल टूटा हो। इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से भी और खासतौर पे जो लकड़ी से बनने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, इनके बारे में कहा जाता है कि इनमें दर्द इसीलिए होता है कि इनके बजाने वाले कहीं ना कहीं किसी न किसी यू नो हार्ट दिल टूटा होता है, इश्क हुआ होता है, तो ऐसा हुआ कभी या कितनी बार हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं ऑब्वियसली बता रहा हूँ आपको। और बस शौक के तहत, ये शौक था और मैंने सीखा। और लाहौर इटसेल्फ एक बहुत रोमांटिक शहर है, आप तो पढ़ते भी हैं, अनारकली के पास आप कह रहे थे रहते हैं, अंदरून भी घूमते हैं, लाहौर कितना इंस्पायर करता है टू बी अ बेटर म्यूजिशियन? बहुत ज़्यादा, मैं एक्चुअली वही मेरा एम्बिशन था या फिर मैं वही सोच के आया था यहाँ पर कि मैंने आके म्यूज़िक ही करना है, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने और
फैमिली ने कहा कि आप म्यूजिक ठीक है कर लो साथ, लेकिन आप कुछ और भी कर लो, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की। अच्छा, यस। लोग पढ़ने के साथ म्यूजिक करते हैं, म्यूजिक के साथ कर रहे हैं। तो आज अनिल कुछ और सुनेंगे हम आपसे, जरूर कुछ भी आप प्ले करना चाहिए, अगर आप हुंजा के हवाले से भी कुछ आप कह रहे थे। Really great gold medalist अनिल आज़म हमारे साथ मौजूद है, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल विन किया। इनके हाथ, इनका इंस्ट्रूमेंट बताता है कि हाउ डज ही डिजर्व दिस, ही डिजर्व्स अ लॉट्स ऑफ अप्लॉज। बहुत सी तारीफ आपके लिए, थैंक यू वेरी मच, आपको बुलाते रहेंगे हम। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त सुबह आपने हमारी रंगीन कर दिया आज रुबाब के जरिए। बाकी म्यूजिक अरे ब्रेक में, बल्कि हमें छुट्टी चाहिए अभी, आपसे इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद है, वहाँ फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।